पूर्व मुख्यमंत्री शक्ति स्वरूपा परम सम्माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे जी सिंधिया हमारे बीच में पहुंच चुकी है।
श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। नगर परिषद प्रतिनिधि मंडल अनूप गायक सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन कि थोड़ी सी व्यवस्था बनाने में आप हमारा सहयोग करें। नगर परिषद प्रतिनिधि मंडल से निवेदन, एक मिनट में आप आगर के पहुंचे। सिख समाज से निवेदन की कृपया मंच पर आकर के वसुंधरा जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। सिख समाज से निवेदन, एक मिनट का समय आपको दिया जाना है। जाट समाज से निवेदन, अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जाट समाज से निवेदन की कृपया राजे जी का स्वागत अभिनंदन करें मंच पर आकर के। छह किसानों का जो प्रतिनिधि मंडल है, कृपया आप तैयार रहें। मंच पर विराजमान सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है शांति बनाए रखे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कुशल सिंधिया सभी से धन्यवाद करेगी, व्यवस्था बनाए रखें। हेलो, आज की जो निर्देश मंच की सीमा बनाए रखे, हमारी इतना ज्यादा कार्यकर्ता बन लो। मैं आपको एक पुरानी घटना याद दिला दूं कि 2013 में आदरणीय वसुंधरा जी परिवर्तन यात्रा लेकर के हमारे क्षेत्र में पधारी थी। मैं आदरणीय वसुंधरा जी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उस समय अनूपगढ़ से लेकर के सूरतगढ़ तक की जो सड़क थी आप लोगों से छुपी नहीं थी, उसमें कितने खड्डे थे। आदरणीय वसुंधरा जी ने स्पेशल 300 करोड़ का बजट अलॉट करके और अनूपगढ़ से सूरतगढ़ की सड़क को सीधी से बनाई। आदरणीय वसुंधरा जी ने बनाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो बहुत आभार मंच पर सुनारे पक्ष से स्वागत निवेदन की कृपया सेक्रेटरी जी सीधे मंच से सम्मान करके नीचे उतर जाए। मैं विशेष बात आपको बताना चाहूंगा, आज से 10 साल पूर्व आज के दिन ही 19 तारीख 2013 नवंबर को वसुंधरा जी इसी मंच पे किसानों की धरती पे थे। देखो क्या शुभ संकेत आए हैं कि आज 19 तारीख को फिर ये हमारे बीच में है। एक बार जोर से तालियां, दोनों हाथ उठाकर जोर से तालियां स्वागत करें। पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है मंच की व्यवस्था बनाए और सभी मेरे कार्यकर्ता बंधु सुने। विधानसभा क्षेत्र से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री का हमेशा लगाव और प्यार रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री वसुंधरा जी पधारने पर स्वागत है। किसानों की पावन धरती पर मेरा मंच पर विराजमान सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि कृपया मंच की व्यवस्था बनाए रखे। कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है मंच की गरिमा बनाए रखे। जिसने स्वागत कर लिया कृपया हाथ जोड़कर भीतर आप नीचे पधारे। जिसने कार्यकर्ताओं ने स्वागत कर लिया है हाथ जोड़कर बीनती है आप नीचे पधारे। मंच की गरिमा बनाए रखे। हम सब भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन के कार्यकर्ता हैं, हमें समय अपनी जिम्मेवारी समझते हुए अनुशासन बनाए रखना है। निवेदन है हमारे विधायक संतोष जी बावरी से, आप आइए मंच पर कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के लोगों को संबोधन करें। सभी कार्यकर्ताओं का निवेदन है व्यवस्था बनाए रखे, शांति रखे, जल्दबाजी ना करें। समाज के प्रतिनिधि मंडलों से निवेदन है हमारी भाजपा प्रत्याशी समाज के सभी प्रतिनिधियों से निवेदन है कृपया ध्यान रखें, मंच कमजोर भी हो सकता है। आप सबसे निवेदन है आपको अपने स्थान पे जाए। जिन्होंने सम्मान कर दिया है, स्वागत कर दिया है, अभिनंदन कर दिया है, उनसे मेरी तबियत प्रार्थना की कृपया नीचे जाकर के अपना स्थान ग्रहण करें। सबसे पहले जो मैं ये प्रेस कहूंगी प्लीज थोड़ा सा या तो बैठ जाओगे तो मेरे पास में बोला तो देख सकते आप लोग प्लीज प्लीज
थैंक यू प्लीज। 10 से मसी हो गए तेरे पता क्या होता है। अब मैं पीछे जो भी करें प्लीज आप बोलेगा बोलो ना यार प्लीज। आप सबको मैं आज अनुकर की धरती पर प्रणाम करना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज मेरा हाथ धो के आप लोग प्लीज बैठ जाओ प्लीज। मेरे को चिंता नहीं है कि यार बात जाए ना जाए मेरे को उनसे बात करनी है। बैठ जाओ काम हुआ।
सही करने के बाद अब ये तो बता दो कि आप खुश हो, आप खुश थे। रामनाथ तक पानी पहुंचाने का सबसे पहले काम आप लोगों ने किया। करीब है, वो नीचे के करीब है, वो बगल के करीब है, किसी के करीब नहीं।
तो मैं ये विश्वास के साथ आई कि मुझे कहीं जाके परीक्षा नहीं करनी। आपने कभी तेरी परीक्षा नहीं दी, कोई भी समाज हो, मैं कभी किसी की बेटी तो किसी की बहू तो किसी की समधन। और जैसे मैंने कहा, हमारे या तो जाट समाज की बहू बनू या मेरे सिख समाज की बहू हूं, और चाहे आपके राजपूत समाज की बेटी हूं, चाहे गुर्जर समाज की समधन हूं, ये सब समाज मेरे साथ बन गए। मैं आपको ये सब कहना चाहती हूँ कि मेरे सब के सब मेरे, ये एक परिवार है, और इस परिवार को आगे बढ़ाने का काम, उसकी जिम्मेदारी हम सब ने की है, जिसको हम पूरा करेंगे। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार। प्यार दोगे और अपना विश्वास दोगे तो वो काम आपका पूरा करने का काम करेंगे जो हमने आपको वादा किया। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आरबीआई का एक कागज निकाला। उस आरबीआई के कागज में वो लिखा होता है कि किस किस क्षेत्र के अंदर किस कितना कितना दर्जा है। राजस्थान के लिए उसने बताया कि 70,000 रुपया हर बच्चे की उम्र, जैसे वो पैदा होता है उसके ऊपर कर्जा हो गया। अशोक गहलोत साहब ने और उनकी सरकार ने हर चीज को गिरवी कर रखा, हर चीज के ऊपर कर्जा देकर रखा है। और बिजली विभाग तो ऐसा विभाग है, कंपनी के ऊपर जहां हम लोगों ने कर्जा उतार के 10,000 करोड़ तक लाया था, उसको फिर से ऊंचा उठा के 95,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम किया है। मैंने बिजली विभाग वालों से बात की थी और मुझे मालूम था कि अगर हम लोग इसको खत्म कर देते तो आने वाले समय के अंदर 2.5 रुपए, 3 रुपए, 3.5 रुपए तक आपकी बिजली हो जाती और आपको इतने जोरदार महंगे बिजली को खरीदने की जरूरत ही नहीं होती। आपको ट्रांसफॉर्मर सही गाय से मिल जाता, फीडर का सुधार वही का वही हो जाता जैसे होने लगा था। मैं जनता के पास गई थी और मैंने उनसे पूछा कि मुझे इतना ही बता दीजिए कि ये चुनाव के 2 दिन पहले आप लोगों ने अपना मन बदला क्यों। उन्होंने कहा कि आपने हम लोगों को कर्जा माफ किया था 50,000 और आपने सर्टिफिकेट हम सबको पकड़ाया और उस सर्टिफिकेट के ऊपर इतने सारे लोगों को, मैंने पूरे राजस्थान के अंदर करीबन 8,000 करोड़ रुपया और हजारों किसानों को फायदा देने का काम आपने किया। तो हमको लगा कि ये भी आ गए, इन्होंने तो ये कहा कि 10 दिन के अंदर हम आपका कर्जा माफ करा देंगे। जब आपकी सरकार ने वादा किया और पूरा किया तो हमें लगा कि इनकी सरकार बनेगी तो ये भी वादा पूरा करेंगे। तो हम दौड़ दौड़ के गए कि हमारा संपूर्ण कर्जा ये माफ करने वाले। 6 महीने बाद मैंने पूछा कि तुम्हारे संपूर्ण कर्जे माफ हो गए, संपूर्ण कर्जे, अब तो कोई बोलता ही नहीं है दबी जवाब में। नहीं नहीं नहीं, वो तो मुझे मालूम है। फिर साथ साथ तुमने वादा किया, क्या चिंता मत करो, जो भी हमारे बेरोजगार बच्चे हैं उन सब बेरोजगारों को नौकरी देने का काम हम करेंगे। अशोक गहलोत के टाइम में 1,37,000 बच्चों को नौकरी मिली है, जिसमें से 1,20,000 बच्चे वो थे जिनके काम सब कुछ कर करा के हमारी जाति भी सरकार छोड़ दी गई थी, उसके ऊपर ठप्पा लगाने का काम बस उनका करना था और अपने खाते में उसको जोड़ने का काम जैसे वो हमेशा करते हैं वो उन्होंने किया। काम धाम नहीं करना, दूसरे के काम को अपने आप और अपने नाम पे दे लेना, दूसरे का काम हो जाता है वहां अपना पत्थर लगा देना, ये काम में ये लोग माहिर। महिला की सुरक्षा आप देख सकते हो, कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं है। और आज मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे बच्चे अगर बेरोजगारी से दूर होना चाहते हैं तो उनको ऐसी सरकार की जरूरत है जो सरकार में पेपर लीक नहीं होंगे। 19 बार पेपर लीक हो गया भाई, सोचो 19 बार पेपर लीक के अंदर कितने सारे बच्चों को, 70 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनके पेट के ऊपर लात मारने का काम इस सरकार ने किया है। इसी क्षेत्र के अंदर मुझे याद है कि हमने 6A की प्रॉब्लम हमारे सामने आई थी और हमारे पूरे वहां के लोगों ने आके मेरे से बात की थी, आ जाओ, इनको जानते हो कहा है सिक्स ए वाले बैठे होके
जाति योजनाओं का जीर्णोद्धार, 8 करोड़ की लागत से आपके साथ आईजेपी वितरिका का पुनरुद्धार। भाइयों, यह आपके नहरों का पुनरुद्धार, क्योंकि हमने सोचा कि अगर रावणा तक अपने को पानी पहुंचाना है तो अगर नहर जीर्ण शीर्ण हालत में है, अगर आपके मोगे सही नहीं है, इनको जब तक हम सही नहीं करेंगे तब तक पानी टेल तक नहीं पहुंचेगा। बहुत मेहनत करनी पड़ी, ये पवन मंदिर वगैरह से बैठे हुए उनको सबको मालूम है, बहुत मेहनत करनी पड़ी, परंतु अंत में हमने उसको वहां तक पहुंचाने का काम किया। और ये वितरिका जो जितनी वितरिका है उनको कितनों को आवंटित करने का काम किया है और करते जा रहे हैं, वो अच्छा लगे। अनूपगढ़ के अंदर राजकीय महाविद्यालय और सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामीण गौरव पर आकर पहुंच गए, कितनी पहुंच गए भाई, पहुंच गए आपके, पहुंच गए ना सभी ग्रामीण गौरव पर, सभी महिलाओं को सम्मानित करके उनको कार्ड पकड़ाने का काम हमारी अपनी भामाशाह योजना के द्वारा, उसके अंदर जो भी सरकारी पैसा था हमने बैंक में पहुंचाने का काम किया और उनको कार्ड पकड़ाया। भामाशाह योजना उस कार्ड के साथ हमने जोड़ा, जिस भामाशाह योजना की वजह से जो भी लोग थे जो 30,000 से लेकर 3 लाख तक जितने भी बीमारियां थी उनको ठीक करने की हम लोगों ने कोशिश की, आज उसका नाम चिरंजीवी हो गया है। परंतु उस चिरंजीवी योजना के अंदर कोई भी प्राइवेट अस्पताल जुड़ा नहीं, और औसतन उनने 12-13 हजार से ज्यादा किसी आदमी के ऊपर खर्च नहीं किया, वो भी 500-600 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर उन्होंने कुछ खर्च किया। हमारे समय में लोगों को मिलता था, ओपन हार्ट सर्जरी हुई, कैंसर का काम हुआ, बड़े बड़े काम हुए, वो था भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके साथ साथ बहुत सारी योजनाएं हम लोगों ने की। आज एक समय था जब आपके स्कूल कितने विकृत हालत में थे, आपको मैं अच्छे से जानती हूं, देश के अंदर 26वें पायदान पे शिक्षा राजस्थान की शिक्षा थी। 5 साल के अंदर हम लोगों ने ग्रामीण के पंचायतों के ऊपर हेडक्वार्टर्स पे 0 से लेकर 12 तक का स्कूल तैयार किया, उसमें सब पूरे टीचर्स आपके थे, और 5 साल के बाद देखने को मिला कि राजस्थान नंबर 2 पायदान के ऊपर पूरे देश के अंदर शिक्षा की स्थिति में पहुंच गया है। हमारे स्कूल थे तो टीचर थे, हमारे अस्पताल थे तो डॉक्टर थे, हमारे कॉलेज था तो लेक्चरर थे। आज बिल्कुल उल्टा हो गया है, जब स्कूल है तो डॉक्टर टीचर नहीं, जब हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं, कॉलेज है तो लेक्चरर नहीं, यह स्थिति आज आपको सबको देखने को मिल रही है। तो परेशान हो रहे हो भाई, हम लोगों को चाहिए ऐसी सरकार जो आपको परेशान नहीं, आपको खुश रखने का काम करे, जो आपकी आंखों में देखकर वो काम करना शुरू करे जो आपको पसंद है। और मैं आपको ये विश्वास करना चाहती हूँ, ये संतोष आपने उसको अच्छी तरह से परखा है, आपने उसको अच्छी तरह से जाना है, आपने देखा है कि आपके दौड़ भाग करने के लिए वो तैयार है, आपने देखा है कि मजबूती से आपकी बात को विधानसभा के अंदर उठाने का काम ये करती है। और मैं आपको ये विश्वास करना चाहती हूँ कि ये आपको चुता के अंदर भेजा तो इसके साथ साथ एक नहीं दो और दो नहीं, मुझे इतना अच्छा लगा आज कई समाज यहाँ उसके लिए आए, सिख समाज यहाँ खड़ा था तो साथ में आपके अग्रवाल समाज भी आया, साथ में आपका सिंधी समाज भी आया, और डॉक्टर साहब ने भी मदद की, ये मोहित भाई साहब ने भी मदद की, कोई ऐसा नहीं रहा है इसका नाम मैं नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सबने एकजुट होकर एक परिवार के रूप में सबको इकट्ठा करने की कोशिश की। आज मेरे सामने आपके सामने मैंने इसको खड़ा तो किया है, परंतु मैं ये विश्वास करती हूँ अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ले सकती भाई, ये जिम्मेदारी आपकी है। हम तो खाली आपको ये कह सकते हैं कि ये हमारी कैंडिडेट है, इसको जिताओगे तो इसके साथ साथ हम सब खड़े मिलेंगे। और मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों ने पहले काम किया है उसी तरीके से आगे भी आपके काम में कोई कमी नहीं आएगी। आपको प्यार से कभी का मेरा परिवार है, इसको आगे परिवार को प्यार से ले जाने का काम हम करेंगे, और आपको याद दिलाएंगे कि अगर मैंने ये माला पहनाई तो ये आप सबकी जिम्मेदारी संतोष हो गई। तैयार हो, तैयार हो, दोनों हाथ खड़े करके आदरणीय सुधीर जी के साथ का समर्थन करें, तैयार हो तो दोनों हाथ ऊपर करके मेरे को दिखाओ कि तैयार हो, दारू दारू बोलो।
स्वागत करना चाहती हूँ और हम सबको अपनी पार्टी के इस परिवार में जोड़ते हुए धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि उनके आने से हमारी पार्टी और भी मजबूत होगी। तो सबसे पहले पूरे राजस्थान समाज के